सुखी जीवन की कामना मनुष्य का सपना रहा है। अपने इस सपने को साकार करने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता है। इससे उसके जीवन में और समाज में परिवर्तन आता है। परिवर्तन की ये प्रक्रिया ही प्रगति है। प्रगति का संबंध इतिहास से है और इतिहास का संबंध मनुष्य और समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य से है। ये मिथ्या धारणा रही है कि मनुष्य आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ था और फिर प्रत्येक युग में उसका पतन होता गया और अब वो सर्वनाश की ओर जा रहा है। इस मिथ्या धारणा के विपरीत वैज्ञानिक मान्यता यह है कि मनुष्य और समाज निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। पर्वत पर्वत हीरे हैं, सागर सागर मोती है, पर्वत पर्वत हीरे हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे, हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कष्ट वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। आदिम गुहावासी मानव से लेकर आज तक के मनुष्य का समूचा इतिहास प्रगति का इतिहास है। सामाजिक विकास के इस वैज्ञानिक चिंतन को सामने लाने का श्रेय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को जाता है। ये प्रगतिवाद का वैचारिक आधार रहा है। इस विचारधारा ने 20वीं शताब्दी में मनुष्य जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। इसने दुनिया के मेहनतकश लोगों को संगठित होने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1917 की सोवियत क्रांति इसी का परिणाम थी। सोवियत क्रांति ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों और मजदूर संघर्षों को नई शक्ति दी। क्या इन परिवर्तनों का संबंध प्रगतिवाद के उदय से है? भारत में जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, वो दरअसल 30 के दशक में विश्व साहित्य की घटना है। सारी दुनिया के साहित्य में 30 के दशक में एक वामपंथी रुझान दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, रूसी में तो था ही, यहां तक कि चीन के साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। और इसका गहरा संबंध है पूंजीवादी संस्कृति के संकट से और इसके विकल्प के रूप में समाजवाद का उदय। अगर हम उस समय यूरोप में लिखी हुई किताबों को याद करें तो बहुत पहले स्पेंगलर ने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नाम की किताब लिखी थी। उसके पहले टीएस एलियट ने द वेस्ट लैंड कहा था पश्चिम की सभ्यता को। और मार्क्सवादी लेखकों को ध्यान में रखें तो क्रिस्टोफर कार्डवेल की मशहूर किताब है स्टडीज इन ए डाइंग कल्चर, मरणासन्न संस्कृति के नाम से पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता को अभिहित किया गया था। 30 के दशक में पश्चिम के समूचे साहित्य में एक नया वामपंथी रुझान और समाजवाद के स्वप्न का
आभास मिल रहा था। इसकी मिसाल है प्रेमचंद की का मशहूर निबंध महाजनी सभ्यता, जिसमें इस समाजवाद के सूर्य का स्वागत करते हुए प्रेमचंद ने हाफिज का एक शेर जो फारसी में है उद्धृत किया था, मुजदा ऐ दिल की मसीहा नफ्से मी आयद कि जे अनफाश खुशस बूए कसे मी आयद। दिल खुश हो कि वो पीयूष पानी मसीहा तुम्हारी ओर आ रहा है, देखते नहीं लोगों की सांसों से खुशबू आ रही है। ये मसीहा समाजवाद का मसीहा था जिसके आगमन का एहसास भारत में भी हो रहा था और इसने हमारे स्वाधीनता संग्राम को प्रभावित किया था। 1930 में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 1930 के बाद मजदूरों, किसानों और छात्रों के अखिल भारतीय संगठन बने, कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी बनी। भगत सिंह से प्रेरणा लेकर क्रांति करने वालों का जोर बढ़ा और उन्होंने समाजवाद में अपनी आस्था व्यक्त की। कम्युनिस्ट पार्टी पहले से अधिक संगठित और सक्रिय हुई। 1936 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये सारे परिवर्तन इस बात के सूचक हैं कि प्रगतिवाद का गहरा संबंध भारत के स्वाधीनता संग्राम में वामपंथ के उदय से है। साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति एक नए तरह के यथार्थवाद के रूप में हुई। क्या इससे पहले यथार्थवाद नहीं था? प्रगतिवाद साहित्य में सच पूछिए तो एक नए यथार्थवाद का प्रतीक है। भारतीय साहित्य में ये यथार्थवाद पहले से मौजूद था। प्रेमचंद कुछ 30 के आसपास यथार्थवादी नहीं हुए थे। प्रेमचंद 1922 में प्रेमाश्रम लिख चुके थे, जिसमें किसानों के आंदोलन की अभिव्यक्ति है। रंगभूमि की जैसा उपन्यास लिख चुके थे और उपन्यासों में, कहानियों में यह यथार्थवाद पहले से मौजूद था। कविता के क्षेत्र में निराला बादल राग लिख चुके थे, जहां किसान विप्लव का आह्वान करते हैं। इस प्रकार साहित्य में हमारे यथार्थवादी प्रवृत्ति पहले से मौजूद थी, किंतु इस यथार्थवाद को सचेत संगठित ढंग से समाजवाद की ओर उन्मुख करने का काम और किसानों मजदूरों को एकजुट होकर के मुक्त के लिए संघर्ष करने का काम बाकी था, और यह कार्य, आवश्यक कार्य 1936 में संपन्न हुआ प्रेमचंद के नेतृत्व में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ, जहां नए लेखकों ने एक घोषणा पत्र स्वीकार किया। यह शुरुआत है और इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रगतिवाद का उदय स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं हुआ, बल्कि ये पहला साहित्यिक आंदोलन है जो अपने आप नहीं बल्कि लेखकों, बुद्धिजीवियों के सचेत संगठित हस्तक्षेप के द्वारा हुआ, और यही इस नए आंदोलन की विशेषता है। देखते देखते यह आंदोलन सारे भारत में फैल गया। प्रगतिशील साहित्य मनुष्य के नए चिंतन और समाज के नए यथार्थ का साहित्य था, लेकिन प्रेमचंद, निराला और उनके समकालीन साहित्यकारों ने वो आधारभूमि तैयार कर दी थी जिस पर प्रगतिशील साहित्य की इमारत खड़ी हुई। प्रेमचंद ने तिलिस्म और अय्यारी के साहित्य के पाठकों को सेवा सदन और प्रेमाश्रम का पाठक बनाया। उन्होंने अपने कथा साहित्य में समाज के पद दलित तबकों की कर्म कथा व्यक्त की। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने समाज के उपेक्षित और अछूत समझे जाने वाले वर्गों को गहरी सहानुभूति दी। उन्होंने जाति प्रथा के अमानवीय रूप पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपनी कहानी सदगति में बेगार प्रथा और धार्मिक रूढ़ियों के बीच पिसते इंसान को व्यक्त किया है। काम पूरा करके अपने घर जाना और खाना लटके। लकड़ी तो अभी जो की क्यों पड़ी है, साहिब भी वैसे ही निकलेगा, मुझे दोष मत देना। चलो शुरू करो।
हाथ में तो जैसे दम ही नहीं। निराला के काव्य में भी आप इस नए यथार्थ की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। विधवा कविता में निराला ने विधवा जीवन के दुखों को सहानुभूति दी है। भिक्षुक कविता में गरीब, असहाय और निर्बल इंसान की पीड़ा को वाणी मिली है। बादल राग में किसान के शोषण और क्रांति की उसकी चाह को, तोड़ती पत्थर कविता मेहनतकश स्त्री के साहस और संकल्प को दर्शाती है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्याम तन भर बंधा यौवन नतनयन प्रिय कर्म रत मन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तम तमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू रुई ज्यों जलती हुई हो गर्द जिंदगी छा गई प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रही नहीं सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर ढुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ पत्थर। मजलूम और मजबूर इंसान का पक्षधर यह साहित्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का विरोधी है। ये शोषण चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जात या नस्ल के नाम पर, वो तो समानता और स्वतंत्रता का पक्षधर है, वो शांति का गायक है। इसीलिए भारत के प्रगतिशील लेखकों ने हमेशा युद्धों का विरोध किया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना यूरोप में फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुई थी। उस दौर में फासीवाद की पराजय हुई और शांतिकामी शक्तियों की विजय। इस युद्ध के अंतिम चरण में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों हमेशा हमेशा के लिए बीमार और अपंग हो गए। युद्ध की इस विभीषिका ने सारी मानवता को भयभीत कर दिया। प्रगतिशील लेखक मृत्यु का नहीं जीवन का रचनाकार है, वो मानव आत्मा का शिल्पी है। वो अपनी रचनाओं में मनुष्य के हास उल्लास, उमंग उत्साह को व्यक्त करता है, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। इसमें मनुष्य के साहस और संकल्प के चित्र हैं, कठोर संघर्ष और उज्ज्वल भविष्य की आशा है, घृणा है तो प्रेम भी है, थकान है तो गति भी है। हम बच्चों की मुस्कान बेचते नहीं, हम माँ के अरमान बेचते नहीं,
एटम के और दौलत के बाजार में हम इंसानों के प्राण बेचते नहीं। आजादी के मतवाले सब एक है, एक है हम जुल्म से लड़ने वाले सब एक है, एक है हम। धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जिहाद छेड़ता ये साहित्य नए मनुष्य का आईना है। प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य मन बहलाव नहीं है, साहित्य का उद्देश्य तो जीवन की सच्चाइयों को बयान करना है। इसीलिए प्रगतिवाद ने हमेशा रीतिवादी, कलावादी और रूपवादी परंपरा का विरोध किया। प्रगतिशील लेखक संघ ने लेखकों के सामने जो आदर्श रखा उसने साहित्य रचना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी में यशपाल, राहुल संकटैन, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, भैरव प्रसाद गुप्त ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तबोध और त्रिलोचन ने कविताओं से प्रगतिवाद को समृद्ध किया। प्रगतिशील आंदोलन का असर कला के दूसरे माध्यमों पर भी पड़ा। भारतीय जननाट्य संघ, जिसे इप्टा कहते हैं, ने देश के तमाम भागों में प्रगतिशील नाटक खेले। कलाकारों ने अपने चित्रों और मूर्तियों में साधारण जन की पीड़ाओं और आकांक्षाओं को अंकित किया। इस तरह साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन सिर्फ साहित्य का न रहकर तमाम कलाओं का प्रगतिशील आंदोलन बन गया।